क्या आपकी बॉडी में कोरोना है? क्या मेरी बॉडी में कोरोना है? जी नहीं, हम सब लोग सेफ हैं। तो हे दोस्तों, आप लोग वी फॉर वीडियो, आज के वीडियो में हम लोग व्हाट इज इनसाइड वीडियो देखने वाले हैं। इस कोरोना नापने वाले मीटर का, कोरोना नापने वाला मीटर जी नहीं, ये सिर्फ एक इंफ्रारेड थर्मामीटर है जो कि बॉडी का टेम्परेचर बताता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग अनजाने में इसे कोरोना नापने वाला मीटर या फिर मशीन बोल देते हैं। अगर आपने किसी को अनजाने में ऐसा बोलते हुए सुना है तो कमेंट में बताना, ठीक है? मैंने तो बहुत लोगों को सुना ऐसा बोलते हुए। वैसे उनको बता दूँ, ये सिर्फ एक थर्मामीटर है जो कि बॉडी का टेम्परेचर नापता है। तो भाई, आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले इसकी छोटी सी अनबॉक्सिंग देखेंगे, मैंने कहाँ से लिया है, कितने का लिया है, और छोटी सी टेस्टिंग देखेंगे कि कितने अच्छे तरीके से वर्क करता है। उसके बाद इसे ओपन करके देखने वाले हैं कि भाई इसके अंदर क्या क्या है। और हाँ, मैंने अपना एक गेमिंग चैनल शुरू किया जिसमें कि मैं गेम खेलूँगा। तो आप में से जो भी गेमिंग वीडियोस देखते हैं आप लोग उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नाम है FWS गेमिंग। लेकिन डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से ही जाना, नहीं तो आप लोग किसी गलत चैनल में पहुंच जाएंगे, ठीक है? तो भाई फटाफट से इसका अनबॉक्सिंग देखते हैं, फिर इसका व्हाट इज इनसाइड वीडियो देखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके के बॉक्स में आया है, ग्लिमा। क्या लिखा हुआ है कमेंट में आप लोग बताना। यहाँ पे इसके सारे फीचर्स लिखे हुए हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इसमें 6 मंथ की वारंटी मिलती है, साथ ही इसके MRP 1395 रुपये के आसपास है। आप लोग देख सकते हैं, और भी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है, ये मेड इन इंडिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है मेड विद प्राइड इन इंडिया, ठीक है? और पीछे भी इसके फीचर्स ही लिखे हुए हैं, और यहाँ पे कुछ बुखार के बारे में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो फटाक से मैं इसे बॉक्स से निकालता हूँ, और भाई ये रहा इसका वारंटी कार्ड और यूजर मैनुअल, और फाइनली ये रहा हमारा इंफ्रारेड थर्मामीटर। तो इसमें आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक सरफेस टेम्परेचर का और एक बॉडी टेम्परेचर का। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, अभी यहाँ पे सरफेस टेम्परेचर पे लगा हुआ है, अभी ये बॉडी टेम्परेचर पे आ गया। तो मैं यहाँ पे अपने हाथ में मैंने एक थर्मामीटर पकड़ के रखा है कुकिंग वाला, जो कि रीडिंग बता रहा है, आप लोग देख लो, 36.9 इतना रीडिंग बता रहा है, 37 बताने लगा। तो अब इसे मैं लगता हूँ साइड में, अब इस पर मैंने बॉडी टेम्परेचर लगा लिया है, ठीक है? अब करीब 37 के आसपास बताना चाहिए इसको। तो मैं इसे अपने हाथ का टेम्परेचर नाप के देखता हूँ, तो हाँ देखो, बिल्कुल उतना ही बताया जितना कि कुकिंग थर्मामीटर ने बताया था। तो हम लोग कह सकते हैं कि काफ़ी एक्यूरेट है, लेकिन एक बार टेस्टिंग और करेंगे। दोस्तों, इसके स्पेसिफिकेशन में इसकी रेंज -20 से 55 लिखी हुई है, यानी कि हम लोग फ्रिज के अंदर भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रिज के पास चलते हैं इसे टेस्ट करने। दोस्तों, यहाँ पे किचन वाला -2.2 बता है, जबकि इंफ्रारेड वाला 1.7 बता रहा है। तो यहाँ पे इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे थर्मामीटर गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस थर्मामीटर में एक कमी जरूर से है। तो यहाँ पे एक टर्म होता है इमेसिविटी, तो एक इमेसिविटी बदलने की बटन होती है जो कि इसके महंगे वाले वर्जन में आती है, जब थर्मामीटर को काफी वाइड रेंज में यूज किया जाता है। इसका काम केवल बॉडी का टेम्परेचर नापना है, इसलिए इसमें बटन नहीं दी गई है। तो शॉर्ट में समझ लो, अगर कई सारी अलग अलग टाइप की सर्फेसेस हैं और सबका तापमान सेम है, तो सर्फेस डिफरेंस होने की वजह से ये थर्मामीटर भी अलग अलग रीडिंग को कैप्चर करेगा। तो अब मैं इसे ओपन करने की कोशिश करने जा रहा हूँ, वो भी बिना इसे तोड़े। आई थिंक मैं इसे सुरक्षित तरीके से ओपन कर पाऊँ और वापस से बंद कर पाऊँ। तो यहाँ पे देखो, मैंने पूरा का पूरा थर्मामीटर ही ओपन कर डाला। सबसे पहले आप लोग इसकी डिस्प्ले देखो, ये है इसकी डिस्प्ले जो कि हमें दिखती है, और ये यहाँ पे लगी हुई थी, यहाँ पे नीचे एक LED लगी हुई है जो कि जलती है। और मैंने इसे चलाने की कोशिश भी करी खुली हुई हालत में, लेकिन ये नहीं चला, पता नहीं क्यों, शायद इसका सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है। और यहाँ पे सारा इंफ्रारेड लाइट, इंफ्रारेड रेस कलेक्ट होती हैं यहाँ पे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ ये इंफ्रारेड थर्मामीटर काम कैसे करता है सॉल्ट में। दोस्तों, इंफ्रारेड एक प्रकार की एनर्जी है जो कि सभी सर्फेसेस से निकलती है, और जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है। और जो IR थर्मामीटर होता है वो सर्फेसेस से आने वाली लाइट को फोकस करता है अपने ऊपर, जो कि इंफ्रारेड वेव्स के रूप में थर्मामीटर के अंदर आती हैं, और थर्मामीटर उन्हें एक पॉइंट पे कलेक्ट करता है जिसे कि थर्मल पाइल बोलते हैं। और ये थर्मल पाइल IR रेडिएशन को हीट में कन्वर्ट कर देती है, और ये हीट बाद में इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दी जाती है, और फिर इस इलेक्ट्रिसिटी को यूनिट में कन्वर्ट करके एक मेजरमेंट के रूप में नंबर के जरिए स्क्रीन पे दिखा दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ से बीप की आवाज आती है, और ये पूरी PCB है, और ये बटन वाला हिस्सा है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ और है नहीं, तो मैं इसे वापस से पैक कर देता हूँ।
तो देखो मैंने इसे ऐसे लगाया है और ये काम करने लगा है, चालू हो गया, मतलब हमारा ये थर्मामीटर खराब नहीं हुआ है, तो इस बात के लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो भाई आपको ये थर्मामीटर का वॉच इनसाइड वीडियो और टेस्टिंग वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, मैं इसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां पे जाके ले सकते हैं। तो भाई अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन जरूर दबा देना, और हाँ गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए यहाँ पे नहीं, गेमिंग चैनल में।